हरि शंकर परसाई की व्यंग रचना खेती। सरकार ने घोषणा की कि हम अधिक अन्न पैदा करेंगे और एक साल में खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरे दिन कागज के कारखानों को 10 लाख एकड़ कागज का ऑर्डर दे दिया गया। जब कागज आ गया तो उसकी फाइलें बना दी गईं। प्रधानमंत्री के सचिवालय से फाइल खाद्य विभाग को भेजी गई। खाद्य विभाग ने उस पर लिख दिया कि इस फाइल से कितना अनाज पैदा होना है और अर्थ विभाग को भेज दिया। अर्थ विभाग में फाइल के साथ नोट नथी किए गए और उसे कृषि विभाग भेज दिया गया। कृषि विभाग में उसमें बीज और खाद डाल दिए गए और उसे बिजली विभाग को भेज दिया। बिजली विभाग ने उसमें बिजली लगाई और उसे सिंचाई विभाग को भेज दिया गया। अब यह फाइल गृह विभाग को भेज दी गई। गृह विभाग ने उसे एक सिपाही को सौंपा और पुलिस की निगरानी में वह फाइल राजधानी से लेकर तहसील के दफ्तरों में ले जाई गई। हर दफ्तर में फाइल की आरती करके उसे दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता। जब फाइल सब दफ्तर गुम चुकी तब उसे पक्की जानकर फूड कॉरपोरेशन के दफ्तर में भेज दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि इसकी फसल काट ली जाए। इस तरह 10 लाख एकड़ कागज की फाइलों की फसल पककर फूड कॉरपोरेशन के पास पहुंच गई। एक दिन एक किसान सरकार से मिला और उसने कहा, हुजूर, हम किसानों को आप जमीन पानी और बीज दिला दीजिए और अपने अफसरों से हमारी रक्षा कीजिए तो हम देश के लिए पूरा अनाज पैदा कर देंगे। सरकारी प्रवक्ता ने जवाब दिया, अन्न की पैदावार के लिए किसान की अब जरूरत नहीं है, 10 लाख एकड़ कागज पर अन्न पैदा कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सरकार ने बयान दिया, इस साल तो संभव नहीं हो सका पर आगामी साल हम जरूर खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उसी दिन 20 लाख एकड़ कागज का ऑर्डर और भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना थी खेती।